यहाँ सबको रोक लेते हैं क्या? हाँ चेकिंग हो रही है। इसे तुझे मानना है, इसे मानना है। सॉरी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिस्टर हैरी और ये अपनी बेबो। लुक में देखो एकदम ओपी लग रही है फिलहाल। बिल्कुल पूरा लुक चेंज कर रखा है मैंने। और ये फिलहाल यार थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे फिट नहीं आया, क्योंकि ये लोकल किट थी तो एकदम प्रॉपर नहीं बैठती है। बट जो भी बैठती है एकदम मस्त बैठती है। फिलहाल तो ठीक लग रही है मुझे। बट अभी ये मॉडिफिकेशन के नाम में कहूँ तो ये 70% मॉडिफिकेशन हुई है। इसका कुछ मॉडिफिकेशन बाकी रह गई है, जैसे इस यहाँ ग्राफिक्स अभी आने बाकी रह गए हैं। जैसे साइड लुक देखो कुछ ऐसा लग रहा है। और बाकी तो ओपी लग रही है। आज फर्स्ट राइड है इसकी हाफ मॉडिफिकेशन में। मार्केट रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है सीन आज का। मुझे लगता है बहुत रिएक्शन आने वाले हैं, तो सीधे मिलते हैं हम तुम्हें मार्केट में। और ये देखो चेक करो, कॉल मी बेबो, मीन्स इसका नाम बेबो है। बट थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखवा दिया है, इसको निकाल के मैं छोटा छोटा लिखवाऊंगा। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिखवाओ के अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिलहाल देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, रिएक्शन लोगों का आज लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट राइड है। आई थिंक पूरे उत्तराखंड में तो नहीं कह सकता, बट पूरे खटीमा या पूरे ऊधम सिंह नगर में हमारे ओनली वन पीस हो गई है ऐसी मॉडिफिकेशन। और एकदम ओपी मॉडिफिकेशन है। अभी बहुत सी चीज़ बाकी है पीछे। फिलहाल नाम देखो अपने चैनल का, अब नाम देख ही लिया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं सीधे मार्केट में। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि ये मेरी मॉडिफिकेशन की फ़र्स्ट राइड है। और थोड़ा होपलेस भी हो रहा हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसे मार्केट में निकल रहा हूँ लेके। तो लोगों का कैसा रिएक्शन रहने वाला है कोई पता नहीं, क्योंकि लोगों के रिएक्शन के साथ पुलिस वालों का भी रिएक्शन रहने वाला है। देखो चेक करो, वाओ लहरता हुआ रिएक्शन। अरे जेस्टर गिर गई लग रहा। ये आ गई देखो पापा की परी। अगला टायर भी मॉडिफाई कराया है ना, तो मतलब यार सीन ये हो रहा है, हल्का हल्का डबलिंग खा रहा। पता नहीं एयर ज़्यादा भर दी है इसमें या फिर इसकी बैलेंसिंग ख़राब हो गई, क्योंकि इसका बैलेंस वाला भी वो निकाला। भाई थोड़ा आगे हो जाओ वरना इसी में चिपक के चले जाएगा। वो देखो गाइस एक गजब के रिएक्शन आने वाले। वो देखो भाई लोगों, ये राइड आज की बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज ये फर्स्ट राइड है हमारी बेबो की मॉडिफिकेशन के साथ जाने की। मार्केट में पहली बार उतरी है तो रिएक्शन तो जाहिर है आना ही है आने। चेक करो गाइस रिएक्शन, बाइक को देख रहे हैं घूर घूर के, बोले ये कौन सी बाइक है। अगर मैं इनसे अभी पूछता ना तो आई थिंक शायद ही बता पाते। अभी अगर मैं पूरी मॉडिफिकेशन इसकी करा दूंगा ना तो ये मुश्किल से ही बता पाएंगे यहाँ के लोग कि कौन सी बाइक है करके, क्योंकि मैंने पूरा चेंज करा दिया है। हेलमेट निकाल के पता चल रहा था। वो देखो दोस्तों मस्त स्माइल, स्माइल के साथ रिएक्शन दिया है। वो देखो दोस्तों, मतलब रिएक्शन तो मिल रहे हैं गजब से। बट सीन ये है कि अगर मेरी सिस्टर हेलमेट निकाल के चलती है रिएक्शन तो फिर आते हैं। मतलब एक तरफ से पूरी मार्केट सोच लो मुड़ के देखते रहती 360। वाओ हर ट्रैफिक का बड़ा लोचा है यार हमारे यहाँ। ट्रैफिक इतना है ना भयंकर, बहुत ज़्यादा। फिलहाल लुक चेक करो, ये है अपने चैनल का नाम। और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी बाइक में ऐसे अपना नाम लिखवाया। फिलहाल ये नाम मैं सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ ये नाम एक दिन ब्रांड बने, और कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे ये ब्रांड बनेगा। क्यों ना कुछ लोगों से, रैंडम लोगों से पूछा जाए ये बाइक मॉडिफाई कराइए कौन सी बाइक है, सबसे पहले तो ये पूछूँगा। फिर ये पूछूँगा कि कैसी लग रही है आपको, क्योंकि सामने से देखता हूँ ना कैसा रिएक्शन आ रहा है। सच बताऊँ ना सीन ऐसा होता है ना यार, जब तुम कभी टेंशन में या थकान में होते हो, अगर तुम अपनी जो तुम्हारी मनपसंद ड्रीम बाइक है ना कभी राइड करोगे ना बाइक पे, तो यार सारी थकान दूर हो जाती है। ये रियलिटी है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। फिलहाल चेक करो देखो लकू अपनी और सब लोग। किस्मत में एल लिखा है, बस मेरी किस्मत तो सच में तो एल ही लिखा है यार कसम से। जब जब मतलब यार अगर मैं विदाउट मोटो ब्लॉगिंग की अपनी बाइक लेके निकलूंगा ना भाई, इतने लोग देखते हैं, इतने लोग देखते हैं कसम से, ऐसा लगता है मेरे को ओ भाई मैं तो भगवान हूँ। मतलब क्या लेके आया, एरोप्लेन लेके आ गया या हेलीकॉप्टर लेके आ गया रोड पे, ऐसे लोग देखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन आते हैं। बट वही जब उसके अपोजिट मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ ना, तो भाई कसम से इंसान तो इंसान, कुत्ते को भी हॉर्न देता हूँ ना तो वो भी मुड़ के नहीं देख देता भाई। लोगो पैसा पैसा पैसे के साथ फ़ोटो खिंचाया जा रहा है, ये भी रोल सही है भाई। पैसा है तो बड़ी 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 बात है भाई कसम से, पैसों के साथ देखा। मतलब भाई मेरे को तो लगा चेकिंग चल रही है यहाँ, मतलब पुलिस वालों को देखते ही ना मेरी जवान बंद हो जाती है कसम से।
अभी फिलहाल एक लोकेशन ढूंढ के थोड़ा कुछ रील्स शूट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से यार इंस्टा पे रील्स भी नहीं डाली है, तो क्यों ना रील्स शूट कर ली जाए। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ का सीन बनता है। मौसम भी मस्त हो रहा है एकदम, शाम के समय मौसम भी ऐसा हो जाता है कि सुहाना, सेक्सी, मस्ताना, मतलब मत सोचो। ऐसे में अगर साथ में गर्लफ्रेंड हो तो भाई आए हाय 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 मज़ा आ जाएगा। बट सीन ये जब गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो साथ में क्या घंटा होगी। तो फिलहाल सीन ये है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बनी वाला हेलमेट लेके कुछ रिएक्शन कवर किए जाए, क्योंकि आजकल बनी वाले हेलमेट का बहुत ट्रेंड चल रहा है। बट सीन यहाँ भी है कि यार हम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते नहीं है कि एक साथ हम अपने सारे सपने पूरे कर लें। तो यार वो स्लोली स्लोली होगा, बट होगा। फिलहाल देखते दिखाते हमें बाइक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चेकिंग चल रही होगी तो हमें चेकिंग में नहीं घुसना होगा। यहाँ सबको रोक लेते हैं क्या? हाँ, चेकिंग हो रही है। हेलमेट वालों को भी रोक लेंगे? हाँ। अरे यार देख लो एक बार, कागज है सब? कागज तो है, पर यार ये मॉडिफिकेशन कराइए तो 6 बजे हट जाते हैं। चलो मैं कौन पहचान वाले ना, ये नहीं जा रहे पुलिस वाले। अरे छोड़ तो, आगे रील्स बना लेते हैं, खाली रिस्क क्यों लेना। सो फिलहाल अब देखो लुक यार कमरे में, भले ही मेरे घर में दिखाई नहीं दे रहा होगा लुक इसका, क्योंकि ये देखो भाई लोगों, वाओ यार क्या लग रही है मेरी बेबो। अब क्या ज़रूरत है यार गर्लफ्रेंड की जब इतनी प्यारी बेबो है अपने पास। सो फिलहाल लुक वाइज देखो एकदम ओपी लग रही है। अभी जब पूरा फुल मॉडिफिकेशन हो जाएगा ना, तब कहना भाई लोगों की यार भाई कसम से बाइक है। तो फिलहाल दोस्तों हमारी रील्स यहाँ पे शूट हो चुकी है, और ये देखो एक तरफ लक्कू एक तरफ बेबो। और रील्स शूट होने के बाद हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मौसम हो गया है थोड़ा शाम का, तो इस समय हमें घर जाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर निकल चुके थे हम। और फिलहाल लुक चेक करो भाई लोगों, एकदम बिंदास लुक लग रहा है। तो घर चलते हैं।